अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी विंटर स्पेशल बहुत ही फेमस, बहुत ही टेस्टी, यम्मी डिलीशियस वेज बिरयानी की रेसिपी। विंटर्स में बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती है जिसे खाना भी सभी लोग पसंद करते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हैं। तो आइए न्यूट्रिशन से भरपूर वेज बिरयानी की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जियों को बनाकर रेडी कर लेते हैं। पैन में हाफ कप ऑयल गरम कर लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा और दो हरी इलायची इसमें डाल देंगे, एक बड़े साइज का प्याज जिसे इस तरह से स्लाइस में काट लिया है इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ कटी हुई सब्जियाँ, कटी हुई फूलगोभी, गाजर, फ्रेंच बीन इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से कट किए हुए आलू मिला देंगे। मटर अभी हम साइड में रखेंगे, इसे हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। इसे एक मिनट के लिए प्याजों के साथ मिलाकर हमें फ्राई कर लेना है। बस इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना। ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ऐड करना है कुछ पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। इसी के साथ ऐड करेंगे 1 कप फेटा हुआ दही, हरे धनिया और पुदीने की पत्ती है इसे भी ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह मिला दें। दो टमाटर छोटे छोटे पीस में कटे हुए हैं मिला देंगे। इसकी जगह पे आप टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। चला देंगे इसे। दो मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि यह सारी चीजों के साथ अच्छी तरह सेट हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा देंगे। सब्जियों को अभी हमें गलाना नहीं है, यह जब चावलों के साथ दम पे जाएगी तो अच्छी तरह कुक हो जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे मटर और अच्छे से मिला देंगे। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, अब हमें चावलों को पका लेना है। एक अलग बर्तन में हमने पानी ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 तेजपत्ता, 1 जावित्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार अनियन और 4 हरी इलायची। पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है, आप अपने हिसाब से ऐड कर दें। 1 टीस्पून ऑयल या घी ऐड कर दें। इसे कवर कर देंगे। 1/2 kg बासमती राइस लिया जिसे अच्छी तरह धो करके 2 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है, इसमें सोख किए हुए चावल ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से इसे चला देंगे। बिरयानी की खुशबू बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रोज वाटर और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। यह टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दें। इसे कवर कर दें। सात से आठ मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए, इसे चेक कर लेते हैं। चावलों को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, 70-80% ही इसे कुक करना है। यह देखिए, यह टूट रहे हैं, यह रेडी है। इसका पानी हम स्ट्रेन कर देंगे। सब्जियों के ऊपर तली हुई प्याज डाल देंगे, फ्रेश कटे हुए हरे धनिया और पुदीने की पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्च जिसे बीच से कट कर दिया है, अब इसके ऊपर चावल डाल दें।
फैला दें इसे चारों तरफ। 1 टेबलस्पून घी डाल दें इसके ऊपर। हल्के गुनगुने दूध में थोड़े से जाफरान मिला करके रखा था इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज और धनिया पुदीने की पत्ती, इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट तक इसकी फ्लेम एकदम लो रखिएगा, उसके बाद फ्लेम बंद कर दीजिएगा। इसमें जो सुराख है इसमें हम आटा लगा देंगे ताकि इसमें का स्टीम बाहर ना निकले। फ्लेम बंद करने के बाद 10 से 15 मिनट इसे हमने ऐसे ही दम पे छोड़ दिया था। बिरयानी हमारी तैयार है। इसे साइड से इस तरह से मिलाते हुए हम इसे निकालेंगे। यह देखिए इसमें की सब्जी भी अच्छी तरह पक चुकी है और चावल भी कितने खिले खिले हैं। इसे अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। यह लीजिए, थोड़ा स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी वेज बिरयानी बनकर तैयार है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इस हेल्दी सी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।